Good morning, students. Students, today we will continue poem number 10. As you know, we have discussed till stanza number 4. Let's start from stanza number 5 today. Belinda tickled him. She tickled him unmerciful. Ink, blink, and mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing. इन द लिटिल रेड वैगन एट द रिलियो ट्रिलियो कोवारली ड्रेगन स्टूडेंट्स इन दीज लाइन्स इन दिस स्टेंजा द पोइट इज डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ ऑल द करेक्टर्स टुअर्ड्स ड्रैगन यहाँ पर पोइट हमें क्या दिखा रहा है कि जो अदर करेक्टर्स है बेलिंडा के साथ उसके अदर पैट्स हैं वो किस तरह का बिहेवियर करते हैं ड्रैगन के साथ उसे क्या कहते हैं कैसे उसको बिहेव करते हैं पहले हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखते हैं टिकल टिकल मीन्स क्या है गुदगुदी करना टू टच लाइटली टू कॉज लाफ्टर हंसने के लिए टच करना बट यहाँ पर बलिंडा उसको टीज करने के लिए टिकल करती है उसको छूती है उसे टीज करने के लिए चिढ़ाने के लिए सी हिम अनमर्सीफुल अनमर्सीफुल मीन्स क्या है क्रूअल वे क्रूर तरीके से उसको टिकल करती है उसको छूती है उसको टच करती है अनमर्सीफुल तरीके से क्रूअल तरीके से रियुडली रियुडली भी क्या है क्रूअली मीन्स बुरे तरीके से उसको क्या कहते हैं पर्सिवल पर्सिवल क्या है ए नाइट इन किंग आर्थर्स कोर्ट किंग आर्थर हुए उनके जो कोर्ट थी अदालत थी उसमें क्या थे एक नाइट थे योद्धा थे पर्शिवल उसका नाम था पी कैपिटल है यहाँ पर क्या है नाउन है मीन्स नाम है एक योद्धा का जो कि किंग आर्थर के उसमें हुए जो कि बताता तो था, था अपने आप को बड़ा ब्रेव परंतु वह बहुत ही कवाड़ था इसलिए यहाँ पर उसको पर्शिवल कहा है कि वो दिखने में क्या है उसकी अपेयरेंस क्या है उसके नाम क्या है ये सब क्या है कि शो करते हैं कि वो क्या है डरावना है बट वह बहुत अधिक डरता है कवाड़ है इसलिए उसको क्या कहा है पर्चीवल का है पर्शिवल से कंपेयर किया है ऐसा हम कह सकते हैं दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन दे किसको रेफर कर रहा है बेलिंडा इंक ब्लिंक मस्टर्ड इन सबको लिए दे का यूज किया है एंड रियली ट्रूलियो रियलियो मीन्स क्या है रियली और ट्र्यूलियो मीन्स क्या ट्री कोवाड़ली ड्रैगन उसको क्या कहते हैं फुल ड्रैगन इस स्टेंजा में पोएट हमें बताता है कि बेलिंडा है वो टिकल करती है उसको छूती है किसको ड्रैगन को और किस तरीके से छूती है अनवर्शिफुल क्रियल तरीके से क्रूर तरीके से उसको छूती है उसको टीज करने के लिए छूती है उसको चिढ़ाने के लिए छूती है इंक ब्लिंक और मस्टर्ड सभी मिलकर के उसको बड़े क्रूर तरीके से पर्शिवल कहते हैं मीन्स ड्रपोक कहते हैं और सभी रेड वैगन के ऊपर बैठे रहते हैं और वास्तव में जो सच्चाई में कॉर्डली ड्रैगन है उसका मजाक उड़ाते हैं इन दीज लैंस द अस द बिहेवियर टूआर्ड्स ड्रैगन द अदर करेक्टर्स विद बैलेंडा अब यहाँ पर इस स्टेंजा की फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं सबसे पहले तो राइमिंग की अनमारशिफल पार्शिवल सेम सेम साउंड है ए, ए वैगन ड्रैगन बी बी उसके बाद है यहाँ पर हम कहेंगे इंक ब्लिंक और मस्टर्ड का पर्सोनिफिकेशन किया है इंक ब्लिंक मस्टर्ड को पर्सोनिफाइड किया है कि वो क्या करते हैं Him percival. These are animals. और वो उसको पुकारते हैं कहते हैं कॉल करते हैं कहते हैं मीन्स वो ह्यूमन बींग की तरह बिहेव कर रहे हैं तो क्या है यहाँ पर इंकर्ड पर, का परसोनिफिकेशन किया गया है नेक्स्ट हिम टिकल हिम रिपीटिशन है आ, इसके अलावा रिपीटेशन के अलावा एल्यूजन पर्सीवल का यूज करके एल्यूजन एल्यूजन मीन्स कहता है भ्रम मीन्स वैसे तो ड्रैगन क्या है कवाड़ है बट यहाँ पर जो पर्शिवल है एक नाइट हुए एक योद्धा हुए किंग आर्थर के कोर्ट में उनकी नाम यहाँ पर लिया है मीन्स एक भ्रम बताया कि एल्यूजन क्रिएट किया है तो यहाँ पर क्या है एल्यूजन है और जो लास्ट लाइन है एट द रिलियो ट्रिलियो क्वारली ड्रैगन ये रिपीट हुई है तो यहाँ पर क्या है रिफ्रेन है अब इसमें क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं वाई डज Belinda tickle him. Tickle the dragon. Belinda tickles the dragon to tease him. Belinda उसको क्यों tickle करती है? उसको tease करने के लिए. Because she thought he was coward. वो क्या सोचती है कि वो कोवार्ड है. Who does him refer in the first line? Him refers to the dragon. Him किसके लिए यूज हुआ है फर्स्ट लाइन में? टू टाइम्स है टिकल हिम टिकल हिम हिम कौन है ड्रैगन वट डिट इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड कॉल हिम कॉल द ड्रैगन इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड कॉल द ड्रैग कॉल्ड द ड्रैगन पारशीवाल वि दे डू दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन ऑन हुम दे आर लाफिंग दे आर लाफिंग ऑन द ड्रेगन हाउ द पोइट इज शोइंग्रेगन इन दीज लाइन इन दीज लो दीजन नंबर गिगल्डी शुक द हाउस गिगर्ड मीन के लाफ्टर हंसती है लाफिंग करती है कौन बेलिंडा टी सुक दउस की इतना हस्ती है कि वो घर को ट्रेम्बल कर देती है हिला देती है इतनी जोर जोर से हंसती है एंड ब्लिंक वीक 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 क्या है blink है 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 ब्लिंक ब्लिंक माउस माउस साउंड है वो भी साउंड निकालता है अपनी विच इज गिगलिंग फॉर ए माउस जो कि गिगलिंग साउंड है लाफिंग साउंड एक माउस की वो भी वीक करता है वीक मीन्स क्या कहेंगे साउंड ऑफ ए माउस इंक एंड मस्टर्ड रूडली हिज इज इनकैन मस्टर्ड बड़ी ग्रियलिटी से उसकी एज पूछते हैं किसकी ड्रैगन की वेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केस और जबकि जो कस्टर्ड है वो क्राई करता है रोता है चीखता है कि उसे एक अच्छा सा सुरक्षित सा पिंजरा मुहैया करवा दिया जाए यहाँ पर भी पॉइंट हमें क्या दिखा रहा है कि जो क्रेक्टर्स हैं बेलिंडा है और उसके पेट एनिमल्स है वो सभी क्या करते हैं गिगलिंग करते हैं लाफिंग करते हैं किसके ऊपर कवाड़ ड्रैगन के ऊपर और उसके ऊपर हंसते हैं उसका मजाक उड़ाते हैं यही इन लाइनों में बताया है बलिंडा इतना हंसती है इतना हंसती है कि घर है वो हिलने लग जाता है इंक और ब्लिंक सॉरी ब्लिंक है वो भी हंसता है अपनी आवाज़ में इंक और मस्टर्ड ब्री क्रूरता से उससे उसकी एज पूछते हैं जबकि कस्टर्ड है वो क्या कहता है उनको कुछ नहीं कहता है सिर्फ क्या कहता है कि मुझे एक सुरक्षित सा पिंजरा दिला दीजिए अब यहाँ पर राइमिंग स्कीम देखते हैं हाउस माउस ए, ए, ए एज केज बी बी सभी अभी तक के चेंज में सेम आ, जो स्कीम है वो आ रही है और उसके बाद और कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है यहाँ पर हम कहेंगे ओनोमेटोपिया जो वीक है गिगल है ये क्या है साउंड शोइंग वर्ड्स हैं और जहाँ पर भी वर्ड्स को देख करके पता चले कि ये साउंड है किसी चीज़ की तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है ऑनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच का यूज यहाँ पर पोइट ने किया है तो इन लाइनों में यहाँ पर पोइट ने क्या यूज किया है ऑनोमेटोपिया ऑनोमेटोपिया के बाद लास्ट लाइन में कस्टर्ड क्राइड केस कै की साउंड आ रही है लेटर तो क्या ऐसी है पर साउंड क्या कै कस्टर्ड क्राइड के तो साउंड रिपीट हो रही है क्या है ये एलिट्रेशन अब इसके क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं रेफर टू इन द फर्स्ट लाइन शी रेफर टू बेलिंडा शी कौन है फर्स्ट लाइन में बेलिंडा है डज बेलिंडा लाफ बेलिंडा लाफ्स टिली शुकदा हाउस इतना तेज हंसती है जब तक कि वो अपने घर को नहीं हिला देती हुट डज इंक आस्क द कस्टर्ड इंक आस्क द कस्टर्ड अबाउट हिस्स एज why did custard cry for a nice safe case custard is very fearful he is showing that he is very fearful that's why he is asking for a nice safe case who is asking for the nice safe case case custard the dragon is asking for the nice safe case stanza number 7 suddenly suddenly they heard nasty sound

आवाज सुनाई देती है जो कि अनप्लेजेंट है जो कि अच्छी नहीं है सुहावनी नहीं है कानों को अच्छी नहीं लगी एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड ग्रोल्ड मीन्स क्या होता है बार्क कह सकते हैं या साउंड ऑफ ऑफ ग्रॉलिंग एनिमल्स एनिमल्स की जो ग्रॉलिंग साउंड है उसके लिए ग्रोल्ड का यूज किया है बारकिंग साउंड भी आप कह सकते हो म्यूज म्यूज किसकी साउंड है इंक की साउंड है ऊपराइट बेलिंडा पायरेट पायरेट मीन्स क्या होता है रॉबर लुटेरा जो सी रोबर होते हैं डेकोइट होते हैं जो कि समुद्र में लुटपाट करते हैं उनके लिए पायरेट का यूज करते हैं पायरेट मीन क्या रोबर डेकोइट, डाकू विंडा विंडा क्या है यहाँ पर विंडो खिड़की अब क्या हुआ कि अचानक उन्होंने एक अनप्लेजेंट साउंड सुनाई दी एक असुखद आवाज सुनाई दी सडनली दे हार्ड दे कौन है ऑल द करेक्टर्स ऑफ द पोएम बेलिंडा इंक ब्लिंक मस्टर्ड कस्टर्ड ऑल द करेक्टर्स रेफर हेयर दे सभी ने एक अनप्लेजेंट साउंड देखा म्यूज क्राइड इंक इंक है वो आ, अपनी आवाज में चीखा ऊ क्राइड बरिंडा बरिंडा भी डर जाते हैं दोनों के पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाए स्टूडेंट्स मीन्स क्या है वो सरप्राइज शो कर रहे हैं यहाँ पर अचानक किसी खतरे को देख करके डर गए हैं सरप्राइज शो कर रहे हैं अनप्लेजेंट साउंड उन्हें सुनाई दी है और इस तरह से सभी हथ रह गए हैं फुरे पायरेट क्यों किस लिए वो ऐसे थे क्योंकि वहां पर एक पायरेट था एक रॉबर था एक डकाट था क्लाइमिंग इन द विंडो जो कि खिड़की में चढ़ाया था विंडो मीन क्या है विंडो इन लाइनों में क्या बताया जा रहा है कि अचानक वहां पर एक माहौल ऐसा बन जाता है कि अचानक एक अजीब सी आवाज आती है और मस्टर्ड जो कि डॉग है वो गुर्राता है भूखता है बार करता है और सभी चारों तरफ देखते हैं और जो इंक है वो म्यूज की साउंड निकालता है किटन है म्यू की साउंड निकालता है ये कह सकते हैं बलिंदा है वो भी क्राई करती है ओ और उन्हें अचानक एक डाकू दिख जाता है जो कि खिड़की में चढ़ रहा है अब यहाँ पर कौन सी राइमिंग स्कीम है वही है सेम ए, -ए बी बी और फिगर ऑफ स्पीच कौन सी आई है वो देखते हैं सडनली सडनली से हम यहाँ पर क्या कहेंगे रिपीटेशन है दूसरा इसी लाइन में सडनली एस सडनली में एस नेस्टी में एस और साउंड में एस अगर हम नेस्टी को काउंट नहीं करें तो यहाँ पर एलिट्रेशन कहेंगे पहले सडनली सडनली में एलिट्रेशन भी है जहाँ पर रिपीटेशन है वहाँ पर एलिट्रेशन अपने आप बन जाता है और दूसरा नेस्टी सैके साउंड बीच में है तो यहाँ पर हम कहेंगे कॉन्सोनेंस कॉन्सोनेंस का यूज भी यहाँ पर पोइटनिक क्या है कैसे कैसे सडनली सडनली नेस्टी साउंड कि जब बीच में भी कोई कॉन्सोनेंट होता है और साउंड आती है तो वहाँ पर कॉन्सोनेंस बन जाता है एलिटेशन कॉन्सोनेंस और क्या है रिपीटिशन तीन फिगर ऑफ स्वीच फर्स्ट लाइन में आई है इसके बाद आ, क्या है ओनोमेटोपिया क्या म्यूच साउंड है उ साउंड है जहाँ भी साउंड शेइंग वर्ड्स होंगे वो क्या है ओनोमेटोपिया है नेक्स्ट क्या है विंडा विंडा किसके लिए आया है विंडो के लिए स्पेलिंग चेंज की है किसके लिए राइमिंग स्कीम को मेंटेन करने के लिए जब पॉइंट ऐसा करता है तो हम क्या कहते हैं पोइटिक लाइसेंस का यूज पॉइट ने यहाँ पर किया है पोइटिक लाइसेंस का यूज किया है पॉइंट ने लास्ट लाइन के लास्ट वर्ड में ओके okay. अब क्वेश्चन देखते हैं यहां पर क्या बनते हैं वट डिज देउंड इट वॉज इट वॉज साउंड ऑफ ए पायरेट वट डिड मस्टर डू आफ्टर हियरिंग द साउंड मस्टर गोल्ड आफ्टर हियरिंग द साउंड वट डिड ओल्ड डू सब ने क्या क्या ओल्ड लुक्ड अराउंड सभी ने इधर उधर देखा वट डिड द फाउंड देट देर वॉज ए पायरेट विंडो क्या था वहां पर विंडो में एक पायरेट था एक डाकू था जो की खिड़की में आ रहा था क्या था पिस्टल पिस्टल मीन हैंड हाथ में जो गन पकड़ी जा सकती है दोनों हाथों में पिस्टल थी राइट right हैंड में लेफ्ट हैंड में एंड ही हैड इन टीथ ए कटलेस ब्राइट कटलेस मींस क्या है ए शॉर्ट स्वॉर्ड एक छोटी सी तलवार पिस्टल हैंडगन और कटलेस शॉर्ट हिज ब्लैक वन लेग वुड उसकी जो बियर है दाढ़ी है वो क्या ब्लैक है और एक जो टांग है वो क्या है वुड लकड़ी की है इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन नो गुड और ये क्लियर था स्पष्ट हो रहा था उसकी अपेयरेंस से जो पायरेट था मींट तो मतलब क्या है इंटेंडेड कि जो आ, उसकी अपेयरेंस थी वो दिखावा था जैसा वो दिख रहा था उसके मतलब वो अच्छे के लिए नहीं आया था नो गुड मीन्स वो तो बैड परपज से वहां पर आया था लेट सी यहाँ पर इन दीज लाइन्स द पोइट इज डिस्क्राइबिंग द अपेयरेंस ऑफ द पायरेट द पायरेट हु गुड एंड It was clear from his appearance that he was there not for the good of the family, good for the characters. And the poet is describing that he has a pistol in his both hands. He has one pistol in his left hand and one in his right hand. And there was a small sword which was brightening, it was in his टीथ इट वॉज इनज माउथ हीज बियर वॉज ब्लैक एंड वन लैग वुड एंड फ्रॉम क्लियर दैट द पायरेट केम देर फॉर द बैड परपज क्या बताया कि उसके लेफ्ट हैंड में पिस्टल थी उसके राइट right हैंड में पिस्टल थी उसके दांतों के बीच में एक छोटी सी तलवार चमक रही थी उसकी दाढ़ी ब्लैक थी उसका एक पैर लकड़ी का था और ये स्पष्ट था कि जो पायरेट है जो डेकोरेट है वो अच्छे के लिए नहीं आया था वहां पर भलाई के लिए नहीं आया था अब हम देखते हैं इसके राइमिंग स्कीम राइट ब्राइट ए, ए वुड गुड बी बी अदर फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है यहाँ पर एक तो सबसे पहले कहेंगे हम इमेजरी स्टूडेंट्स इमेजरी में क्या होता है इमेजरी में होता है कि जब लाइनें हैं वो पढ़ के हमें ऐसा लगे कि हमारे सामने कोई पिक्चर क्रिएट की जा रही है कोई इमेज हमारे सामने क्रिएट की जा रही है अब पोइट हमें बता रहा है कि एक उसके लेफ्ट हैंड में पिस्टल थी उसके राइट right हैंड में पिस्टल थी उसके मुंह में उसके दांतों के बीच में एक तलवार थी तो हमारे सामने एक इमेज क्रिएट हो रही कि डाकू कैसा है? दिख रहा था हमारे सामने एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर सी बन रही है तो जहाँ पर इस तरह से इमेज क्रिएट हो तो वहाँ पर क्या कहेंगे इमेजरी तो इस ट्रेंजा में सबसे पहले क्या है इमेजरी का यूज पॉइट ने किया है दूसरा बियर्ड ब्लैक बी बी की साउंड आ रही है तो क्या है ये एलिट्रेशन है वोज वुड में भी वह की साउंड आ रही है तो क्या है एलिट्रेशन है क्लियर ओके okay. अब हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं इस स्टेंजा के पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड हु डज हिज रेफर इन दिस लाइन इन दिस लाइन और इन दिस स्टेंजा His refers to the pirate, to the dacoit who came through the window to Belinda's house. What does the pirate held in his teeth? In his teeth, the pirate held cutlass, bright, a small sword. What kind of beard he has? His beard was black. What was his one leg made of? His one leg was made of wood. What was the purpose of the pirate? The pa the purpose of the pirate was not good. Students, यहाँ पर इस स्टेंजा में एक two marks के कोडिंग भी क्वेश्चन बन सकता है क्या? Uh, describe the appearance of the pirate. पायरेट के अपेयरेंस को डिस्क्राइब करें द पायरेट वॉज वेरी फियरफुल ही हैज़ पिस्टल इन इज लेफ्ट हैंड एंड पिस्टल इन इज राइट हैंड ही हैज़ ए स्मॉल स्वॉर्ड इन इज टीथ हिज बियर्ड वॉज ब्लैक एंड वन ऑफ हिज लेग वॉज मेड ऑफ वुड एंड इट वॉज क्लियर फ्रॉम हिज अपेरेंस दैट ही केम देयर टू हार्म द फैमिली स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही आई होप इट इज़ क्लियर टू यू टूडे वी हैव डिस्कस्ड स्टैंडर्ड नंबर फाइव टू एट आई होप इट इज़ क्लियर टू यू थैंक यू